नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सितेश चौहान है और मेरा यूट्यूब चैनल सिविल वर्क में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं कि कंक्रीट कैसे आर्डर करेंगे, कंक्रीट आर्डर करने का क्या प्रोसेस होता है। तो कंक्रीट आर्डर करने से जैसे आरएमसी में आप कॉल करेंगे, ठीक है, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं या फोरमैन है या सुपरवाइजर हैं, तो कंक्रीट आर्डर करने से मतलब आपका एरिया कितना है और कितना कंक्रीट आर्डर करना है ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि आरएमसी में फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके आप वहाँ कंक्रीट का आर्डर करेंगे। आर्डर करने से वो कंक्रीट का गाड़ी आएगा और उसके बाद पंप द्वारा आप कंक्रीट को करना है, ठीक है। तो पंप द्वारा करने से क्या होता है कि हम लोग का लेबर कास्टिंग जो है बच जाता है और काम बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका कंक्रीट आर्डर कितना कंक्रीट लगेगा ये जानने के लिए, जो आपका एरिया है कंक्रीट का, जैसे मान लीजिए आपका कोई फुटिंग है, फुटिंग का कितना एरिया है, ठीक है, क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले कंक्रीट का कितना क्वांटिटी है, कितना आर्डर करना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो कितना एरिया है, जैसे आपका कोई फुटिंग है, फुटिंग 4x4 का फुटिंग है, ठीक है, 4 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और डेप्थ कितना है आपका 6 मीटर, डेप्थ है आपका 0.6 है, ठीक है, 60 सेंटी। तो आपका कितना कंक्रीट लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका 4x4 और 0.6 9.6 m³ आपका कंक्रीट लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये कैसे निकालेंगे, निकालने का क्या तरीका होता है, LBH लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, मतलब जो भी आपका फुटिंग है, फुटिंग का कितना लंबाई है, मान लीजिए ये 4 मीटर आपका लंबाई है, ठीक है दोस्तों, और 4 मीटर आपका चौड़ाई भी है, ठीक है, इंटू कितना हाइट उसका है 0.6, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 9.6 m³ कंक्रीट आपका आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, ताकि नोटिफिकेशन दूसरा वीडियो आपका जब भी सितेश चौहान दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग के पास में नोटिफिकेशन जाएगा।